तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग जो है ये ग्रेजुअल हीटिंग होती है हमारे अर्थ के सरफेस की ओशियंस की एंड द एटमोसफेयर ऑल्सो और ये जो ग्रेजुअल हीटिंग है ये ह्यूमन की एक्टिविटी से आदर फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से हो सकती है राइट ओके आफ्टर दैट देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है लॉन्ग वेव लेंथ आर एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन फर्स्ट बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग में जो हमारे लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर जिससे जो अर्थ का सरफेस है वो ज़्यादा हीट होता है मीन्स यहाँ पे ग्रेजुअल हीटिंग होती है एटमोसफियर के ओके आफ्टर दैट देखेंगे सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है शॉर्ट वेव लेंथ रेडिएशन आर एब्स बाय द एटमोसफेयर तो ये ऑप्शन हमारा गलत है बिकॉज लॉन्ग वेव लेंथ रेडिएशन जो हैं ये हमारी एब्स होती हैं बाय द एटमोसफेयर थर्ड दिया गया है एटमोसफेयर ट्रैप रेडिएशन टू ये जो हमारा हाँ ऑप्शन है वो पे यहाँ पे गलत होता है लास्ट दिया गया है ऑप्शन इज रॉन्ग ऑन दट बेसिस करेक्ट आंसर रिमेन ऑप्शन फर्स्ट ईयर और रिमेनिंग जो है वो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन दिए गए हैं क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर